देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। पुष्पक ज्योति पुलिस उप महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र द्वारा रेंज स्तर पर दो दिवसीय कार्यशाला बैंक फ्रॉड पर कराई गई, जिसका शुभारंभ पुलिस उप महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र द्वारा किया गया। इस दो दिवसीय कार्यशाला में रेंज स्तर के सभी जनपदों से लगभग 60 उप निरीक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। पुष्पक ज्योति पुलिस उप महानिरीक्षक ने बताया कि आने वाला समय साइबर युग है, दिन प्रतिदिन अब क्राइम का भी ट्रेंड बदलता जा रहा है। इसके लिए जरूरी है कि समय से पुलिस को भी साइबर क्राइम की जानकारी होना जरूरी है। साथ ही 420 आईपीसी के मामलों को गंभीरता से लेते हुए जांच की गुणवत्ता के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। दो दिवसीय कार्यशाला में बैड फ्रॉड और 420 आईपीसी के मामले में विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी जाएगी। वहीं कार्यशाला में एक्सिस बैंक की टीम भी मौजूद रही। ये हमारे रेंज के लगभग 50 विभाजक और प्लस साइबर थाने एंड एसटीएफ से भी हमने इनवाइट किए। बैंक लोन से संबंधित कई केसेस आ रहे हैं, जैसे आपने अभी हाल में देखा नीरव मोदी का, और कई लोग बैंक से लोन लेके भाग जाते हैं, विदेश चले जाते हैं या नहीं देते हैं, फ्रॉड करते हैं। इस तरह के दिन पर दिन केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसकी अवेयरनेस के लिए, उसकी विवेचना में जो टेक्निकल कमियां नज़र आती हैं और विवेचकों को जो परेशानियां होती हैं बैंक से लेके उनके पेपर्स से लेके फोर्जरी से लेके, तो उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज एक दिन की कार्यशाला आयोजित की गई रेंज स्तर पर, जिसमें 7 जनपदों के लगभग 50-55 विवेचक हैं। और इसमें पूरा दिन विचार मंथन होगा और इनको जो कमियां नज़र आती हैं, जो डाउट्स हैं, वो बैंक ऑफिसर्स से क्लियर करेंगे ताकि हमारे विवेचक इसमें पारंगत हों। अब नेक्स्ट क्राइम चोरी डकैती कम हुआ है, लेकिन फ्रॉड केसेस, साइबर क्राइम इस तरह, और ज़्यादातर बैंक से एटीएम से निकालना, फ्रॉड करके निकालना, ये केसेस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो पुलिस को अपडेट करना है, अवेयरनेस करनी है, और इस संबंध में जो विवेचनात्मक प्रक्रिया है, जटिल लगती है इन लोगों को, उसको सरल बनाया जाने का इसी का उद्देश्य। क्राइम स्टोरी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।